हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की जो रेसिपी है वो है लड्डू की, जो बहुत ही हेल्दी है और इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं कुछ दिनों के लिए। तो ये जो लड्डू है ये आटा और गुड़ से बनाऊंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। यहाँ मैं लो फ्लेम पर एक फ्राई पैन रखूँगी और सिर्फ आटा डाल रही हूँ और इसको लगातार चलाते रहेंगे, मतलब ड्राई रोस्ट करेंगे अराउंड 5 मिनट्स, या अच्छी वाली खुशबू आनी शुरू हो जाए तब तक। तो फ्लेम को जो है वो लो रखेंगे। अब यहाँ पे मैं 2 चम्मच घी डाल रही हूँ। घी को भी अच्छी तरह मिक्स करूँगी और लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर ही मैं इसको भूंज लूँगी। घी जो है बहुत अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाएगा, तब तक मैं इसको भूंजूँगी। अराउंड 5 to 6 मिनट्स सफिशियंट टाइम होता है, लेकिन चलाते रहेंगे और अच्छी तरह मिक्स करते रहेंगे लो फ्लेम पर ही। धीरे धीरे जो है ना खुशबू बहुत अच्छी आने लगेगी। तो ये देखिए घी जो है बहुत अच्छे से मिक्स हो गया, एब्जॉर्ब हो गया है। तो फिर अभी थोड़ा देर चलाएंगे अराउंड 2 मिनट और फिर से मैं यहाँ पर थोड़ा घी डालूँगी। ये अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब मैं यहाँ पर फिर से 2 चम्मच घी डाल रही हूँ और फिर लगातार चलाते रहेंगे अराउंड 15 से 20 मिनट तक लो फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे। थोड़ा गोल्डन ब्राउन जैसा हो जाएगा, भूरा कलर का हो जाएगा और घी जो है वो थोड़ा रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। तब तक इसको मैं फ्राई करूँगी, वो कलर बहुत अच्छी वाली खुशबू भी आ जाएगी, बहुत अच्छी वाली कलर भी आ जाएगी तब तक इसको करेंगे। तो उसके लिए टाइम जो है 15 से 20 मिनट लगता है, लेकिन फ्लेम को लो ही रखेंगे। ये देखिए घी जो है धीरे धीरे रिलीज़ होना शुरू हो गया, लेकिन अभी कलर नहीं आया है जो कलर लड्डू की होनी चाहिए। तो इसलिए इसको थोड़ा सा और भून लेंगे लो फ्लेम पर ही। सो धीरे धीरे देखिए कलर जो है वो चेंज हो रहा है, लगातार चलाते रहेंगे नहीं तो जली वाली खुशबू आ जाएगी। हाँ, तो ये देखिए अभी जो है घी कितने अच्छे से रिलीज़ भी हो रहा, काफ़ी सॉफ्ट हो गया है और यहाँ पे ब्राउन कलर भी हो गया है। तो अभी मैं गैस को लो ही रखूँगी और ये परफेक्ट कलर आ रहा है। अब यहाँ पे मैं मिल्क पाउडर डाल रही हूँ, आप कोई भी मिल्क पाउडर डाल दीजिए और फिर से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। गैस को बस कुछ सेकंड के लिए ऑन रखेंगे लो फ्लेम पर ही, थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा फिर गैस ऑफ कर लेंगे। तो यहाँ मैं गैस ऑफ कर ली हूँ और अब इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। जितने भी मिल्क पाउडर है वो अच्छी तरह आटा और घी में मिक्स हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैं जागरी पाउडर ले रही हूँ, गुड़ का पाउडर। अगर आप चीनी के साथ बनाना चाहते हैं तो चीनी का पाउडर लें और इतना ही 1/2 कप ही ले। अगर बहुत मीठा पसंद है तो थोड़ा ज़्यादा कम कर सकते हैं। अब मैं अच्छी तरह इसको मिक्स कर ली। अभी जो आटा है वो हल्का गर्म होना चाहिए, इसलिए मैं चम्मच से मिक्स कर रही हूँ। अब हाथ से मैं दबा दबा के लड्डू को शेप दूंगी। अभी थोड़ा गर्म है, थोड़ा थोड़ा ठंडा होगा तो और अच्छे से वो बनता जाएगा। तो ये देखिए परफेक्ट लड्डू जो है वो रेडी हो गया है। ये काफ़ी हेल्दी, आप इसको आराम से 7 to 10 days 15 days लाइक स्टोर कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैं सारे लड्डू रेडी कर ली हूँ। अब इसके ऊपर मैं पिस्ताचियो, आप अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। मैं यहाँ पे पिस्ता डाल रही हूँ कट करके और उसके बाद ड्राई रोज पेटल्स हैं ये भी, मैं गुलाब की जो पंखुड़ी होती है देसी वाले गुलाब की पंखुड़ी वो मैं इसमें डाल रही हूँ, जिससे कि पूरा फेस्टिव वाला लगता है कि फेस्टिवल वाला स्वीट्स है। होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।